है दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो आज का ये वीडियो किसी भी मूवी की स्टोरी से कम नहीं होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस ब्रांड के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उसने अपनी जर्नी के अंदर काफी सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं और फाइनली किसी भी मूवी के क्लाइमेक्स की तरह आज के टाइम पर यह कंपनी सक्सेसफुल बन चुकी है और आज यह कंपनी इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनियों की लिस्ट के अंदर भी आ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। किसी खास मौके का क्यों करना इंतजार? आपका दिल करता है तो इन्हें हर दिन दुनिया दिखाएं। पेश है तनिष्क डायमंड ट्रीट्स, ताकि दिल की ख्वाहिश दिल में ना रह जाए। है तनिष्क के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप की ही एक ब्रांड है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि तनिष्क ने इंडिया के अंदर अपनी शुरुआत कब करी थी और कैसे करी थी। उसी के साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह तनिष्क ने इतनी ज्यादा मुसीबतों आने के बाद भी उसको अच्छी तरह से टैकल करा और किस तरह से तनिष्क आज के टाइम पर हमारे इंडिया की नंबर वन ज्वेलरी ब्रांड बन गया है। तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आप सबको ये तो जरूर पता होगा कि इंडिया के अंदर टाटा के काफी सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस रन हो रहे और उन सभी बिजनेस में से एक बिजनेस है टाइटन, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है, और इसके अलावा तनिष्क, वो भी टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है। पर क्या आप जानते हो कि टाइटन की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा ग्रुप ने तनिष्क की शुरुआत करी थी? इसके बारे में शायद आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बात है 1919 की, तभी टाइटन हमारे इंडिया का एक फेमस ब्रांड था और बड़े बड़े अमीर लोग भी टाइटन की वॉच पहनना पसंद करते थे। तब टाइटन क्या करता था कि उसकी वॉचेस वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करता था, बट उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी मैकेनिकल अंदर के पार्ट्स आते, उसका रॉ मटेरियल उनको फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। और ठीक उसी टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहे थे। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या था कि अगर आप बाहर के देश से कोई भी चीज इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, और उसी के कारण टाइटन अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं से पता चला कि अगर हमारे पास गोल्ड का पूरा रिजर्व हो तो उसके बदले में हम फॉरेन से कुछ भी चीज इंपोर्ट कर सकते थे। तो इन्हीं सभी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए उन्होंने तनिष्क ब्रांड लॉन्च करी। उन्होंने सोचा कि इसकी मदद से हमारा गोल्ड भी रिजर्व हो जाएगा और उसी के साथ साथ में टाटा ग्रुप का एक नया ब्रांड भी लॉन्च हो जाएगा, और इसके चलते तनिष्क की इंडिया के अंदर शुरुआत हो गई। और स्टार्टिंग स्टेज के अंदर किसी ने सोचा ही नहीं था कि आने वाले टाइम के अंदर तनिष्क इंडिया का नंबर वन ब्रांड बन पाएगा। पर यहाँ पर हम देखने जाए तो जब भी तनिष्क की शुरुआत इंडिया के अंदर हो गई थी, तकरीबन 1994 के अंदर तनिष्क इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया था। तो उस टाइम पर जब भी तनिष्क की शुरुआत हुई, तो जब भी उन लोगों ने मार्केट में रिसर्च करी तो उनको पता चला कि मार्केट के अंदर जो भी ज्वेलरी शॉप होती है वो किसी भी तरह का लाइव आर्टिकल उनकी शॉप पर नहीं रखते। अगर वहां पर कोई भी कस्टमर आता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस कस्टमर को कैटलॉग दिखाते और उसके बदले में उसका ऑर्डर ले लेते हैं। तो ऐसे में तनिष्क ने सोचा कि अगर हम हमारे शोरूम के अंदर लाइव आर्टिकल रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने लगेंगे और उनको हम उस आर्टिकल को सेल करके यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। बट उन्होंने ये चीज ट्राई करी, उन्होंने अपने काफी सारे शोरूम के अंदर रेडीमेड ज्वेलरी भी रखना स्टार्ट कर दिया, बट उनके वहां ज्यादातर कस्टमर नहीं आते थे, और जो भी कस्टमर आते थे उनका जो भी वो लोग फीडबैक लेते थे तो उनका ये कहना था कि आपके पास लाइव ज्वेलरी भी अवेलेबल और उसके साथ में उसकी पैटर्न भी हमें अच्छी तरह से पसंद आ रही है, पर यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम हो रहा है। और जब भी उन्होंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्होंने बताया कि जो ज्वेलरी हम आपके पास से खरीदते वो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, और अगर हम यही सेम ज्वेलरी किसी शॉप से खरीदते, किसी दुकानदार से खरीदते तो वहाँ पर हमें सस्ते रेट पर सेम ज्वेलरी मिल जाती है। तो इस तरह के काफी सारे फीडबैक आने के बाद तनिष्क ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी कि यार हम जो ज्वेलरी बनाते वो कस्टमर को क्यों महंगी पड़ती है, और जो बाकी के दुकानदार जो भी ज्वेलरी बनाते वो क्यों सस्ते में सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने देखा यहाँ पर रिसर्च करने के बाद कि जो भी ज्वेलरी शॉप वाले होते वो अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को बताते हैं कि ये 22 कैरेट प्योर गोल्ड है, पर जब भी तनिष्क की टीम ने उसका टेस्टिंग करा तो वहां पर उनको पता चला कि काफी सारे ज्वेलरी के शॉप वाले क्या करते हैं कि इम्प्योर गोल्ड दे देते हैं या फिर 18 कैरेट का जो सस्ता गोल्ड आता है वो अपने कस्टमर को दे देते हैं, और उसके बदले में ये बताते हैं कि ये प्योर गोल्ड है और उसके पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं कि इम्प्योर गोल्ड या फिर लो कैरेट का गोल्ड अपने कस्टमर को कम रेट के अंदर दे देते थे।
बट यहाँ पर इसके बारे में तनिष्क को अच्छी तरह से पता चल गया। तो उनकी जो भी टीम थी उन्होंने अच्छी तरह से प्लानिंग करा कि हम अगर कस्टमर को बता देते हैं कि आप जो भी ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीदते हो वो आपको इम्प्योर मिलती है या फिर लो कैरेट की मिलती है, तो ऐसे में काफ़ी सारे कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और हमारे शोरूम से ज्वेलरी बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हम कस्टमर को किस तरह से सिखाए कि किस तरह आप अपने खुद से भी यहाँ पर ज्वेलरी टेस्ट कर सकते हो। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए उन्होंने फॉरेन से एक मशीन मंगवाया जिसका नाम था कैरेट मेजरिंग मशीन। इस मशीन की मदद से कुछ ही सेकंड के अंदर अगर आप अपना गोल्ड इसके अंदर रख देते हो तो यहाँ पर आपको बता देता है कि आपका गोल्ड क्या प्योर है, इम्प्योर है और ये कितने कैरेट का है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में तनिष्क ने एक पूरा कैंपेन चलाया जिसकी मदद से आप अपना गोल्ड लेके वहाँ पर जा सकते हो और उस मशीन के अंदर रखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि आपका गोल्ड कितने कैरेट का है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस तरह की एक मशीन मंगवाई और अपने शोरूम में फिक्स करवा दी और पूरे एरिया के अंदर और पूरी सिटी के अंदर एक आर्टिकल प्रिंट करवाया कि आप हमारे यहाँ पर आके फ्री में अपने गोल्ड की प्योरिटी चेक कर सकते हो। तो ऐसे में काफ़ी सारे कस्टमर एक साथ उनके शोरूम में आने लगे और अपने गोल्ड की जो भी प्योरिटी है वो वहाँ पर फ्री में चेक करवाने लगे। तनिष्क ने यही सोचा था कि ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर अगर हमारे पास आ जाते हैं और उनको पता चलता है कि हमारे जो भी ज्वेलरी के शॉप वाले हैं उन्होंने हमें इम्प्योर या फिर लो कैरेट वाला गोल्ड दे दिया है तो ऐसे में काफ़ी सारे कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोग तो उनके शोरूम में आने लगे बट वहाँ पर केवल चेक करवा के वापस जाने लगे। कोई भी बंदा वहाँ से कुछ भी चीज़ों की शॉपिंग नहीं कर रहा था। तो ऐसे में तनिष्क को लगा कि हमने ये चीज़ लोगों को तो समझा तो दी है कि दुकानदार आपके साथ फ्रॉड कर रहा है बट उनको हमने ये नहीं सिखा कि कहाँ से उनको अच्छी प्योरिटी वाला गोल्ड मिल सकता है। तो ऐसे में उन्होंने फाइनली एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था 1922 कैंपेन और इसी कैंपेन के चलते फाइनली तनिष्क को सक्सेस हासिल हुई और इसी कैंपेन के चलते हुए आज तनिष्क इतनी बड़ी ब्रांड बन चुका है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी कैंपेन के चलते तनिष्क के काफ़ी सारे शोरूम ने पर डे का सेल 1 करोड़ का भी अचीव करा है। उस टारगेट को भी ये लोग अचीव कर सके हैं। बेसिकली इस कैंपेन के अंदर उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने पूरी एडवर्टाइजमेंट करी थी कि अगर आप अपना गोल्ड लेके हमारे मशीन के अंदर हमारे शोरूम के अंदर चेक करवाने आते हो और आपका गोल्ड अगर 19 कैरेट का निकलता है तो ऐसे में उसके बदले में हम हमारी तरफ से 22 कैरेट का गोल्ड आपको कन्वर्ट करके देंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को ये कैंपेन पसंद आया और काफ़ी सारे लोग उनके शोरूम में आने लगे और वहाँ पर गोल्ड को चेक करवाने लगे और जिनका भी 19 कैरेट का गोल्ड था तो उन्होंने इससे 22 कैरेट से रिप्लेस करवा दिया और उसका जो भी मेकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगता है वो शोरूम पर पे करा। और इस कैंपिंग की मदद से तनिष्क के साथ धीरे धीरे काफ़ी सारे कस्टमर जुड़ गए हैं और आज के टाइम पर बात करें तो आज इंडिया में लाखों की तादाद में लोग तनिष्क से गोल्ड लेना पसंद करते हैं। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर भी तनिष्क ने अपनी मार्केटिंग करना बंद नहीं करी है। अगर आप मूवीज देखते हो तो आपको जरूर पता होगा कि पद्मावत और जोधा अकबर जो मूवी से उसके अंदर जो भी एक्ट्रेस ने जो भी गहने पहने वो पूरे गहने तनिष्क के है। वहां पर भी उन्होंने अपने गहनों की मार्केटिंग करवाई है और इसी तरह तनिष्क आज हमारे इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह तनिष्क ने इंडिया के अंदर शुरुआत करी थी और कुछ इस तरह एक मूवी की तरह ही तनिष्क की यहाँ पर अच्छी तरह से हैप्पी एंडिंग हुई है और आने वाले टाइम के अंदर भी तनिष्क अपने बिजनेस को अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तनिष्क टाटा ग्रुप का 2nd नंबर का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड भी बन गया है।